कविताएं प्रस्तुत हैं। कविता बोलती है शीर्षक के अंतर्गत। कविता का शीर्षक है आवाज। संपूर्ण देह को एक नया शब्द चाहिए, संपूर्ण देह को एक नया शब्द चाहिए, आत्मा भी शामिल हो जिसमें और दिखाई दे। शब्द चाहिए, आत्मा भी शामिल हो जिसमें और दिखाई दे, जैसे देह में दिखाई देती हैं आंखें। देह आत्मा की जरूरत नहीं समझती, देह आत्मा की जरूरत नहीं समझती है, आत्मा का दुख सिर्फ आत्मा जानती है। आत्मा का दुख सिर्फ आत्मा जानती है और सांसों से कहती है सिर्फ ब्रह्मांड के लिए, और सांसों से कहती है सिर्फ ब्रह्मांड के लिए। दूसरी कविता का शीर्षक है, ये औरत पर विशेष रूप से कविताएं हैं, उनके दुख दर्द, लेकिन ये पूर्ण नारीश्वर की कविताएं हैं। नाखून आदमी धीरे धीरे कुतरता है अपनी औरत को, आदमी धीरे धीरे कुतरता है अपनी औरत को, जैसे वो उसके ही हाथ का नाखून हो, जैसे वो उसके ही हाथ का नाखून हो। दूसरी कविता ताबूत। औरत की देह ही औरत का ताबूत है, औरत की देह ही औरत का ताबूत है, जिसे वो जान पाती है उम्र ढलने के बाद, जिसे वो जान पाती है उम्र ढलने के बाद। जीवन भर एक ही यात्रा, जीवन भर एक ही यात्रा, दैहिक ताबूत से भौतिक ताबूत तक, दैहिक ताबूत से भौतिक ताबूत तक। जोंक आदमी चूमते हुए चाटता है औरत को, आदमी चूमते हुए चाटता है औरत को, जोंक की तरह बाहर से भीतर तक, जोंक की तरह बाहर से भीतर तक। और कविता है क्रिया कर्म। आदमी आहिस्ता आहिस्ता खत्म करता है एक भीतर के, एक स्त्री के भीतर का अस्तित्व। आदमी आहिस्ता आहिस्ता खत्म करता है एक स्त्री के भीतर का अस्तित्व। चूमता है देह, सोख लेता है देह का देहपन, चूमता है देह, सोख लेता है देह का देहपन, कि धूमिल होने लगता है स्त्री का अस्तित्व, कि धूमिल होने लगता है स्त्री का अस्तित्व। धीरे धीरे काटता छाटता है दिमाग, तराशता है दिल। धीरे धीरे काटता छाटता है दिमाग, तराशता है दिल, उसकी उम्र ढलने से पहले ही कुतरता है उसकी आत्मा तक, उसकी उम्र ढलने से पहले ही कुतरता है उसकी आत्मा तक, कि आत्महीन होकर गिर जाती है वो अपनी ही देह के भीतर लाश की तरह, कि उम्र ढलने से पहले ही गिर जाती है आत्महीन होकर अपनी ही देह भीतर लाश की तरह, जैसे उसकी देह भी एक ताबूत हो, जैसे उसकी देह भी एक ताबूत हो। आजकल स्त्रियां प्राय अकेली जो रहती हैं, घर पर छोड़ आती हैं अकेलापन। कविता का शीर्षक है इकली स्त्री। घर पर छोड़ आती है अकेलापन, जिसे जीती है वो और जो जीता है उसे आमने सामने होने पर। घर पर छोड़ आती है अकेलापन, जिसे जीती है वो और जो जीता है उसे आमने सामने होने पर। अकेलापन घर में रहता है उसके साथ, अकेलापन घर में रहता है उसके साथ, पहने हुए कपड़े की तरह, मन देह के अंतस का एकांत ढांपने के लिए। पहने हुए कपड़े की तरह घर में रहता है उसके साथ, मन देह के अंतस का एकांत ढांपने के लिए। अवकाश के दिन घर के भीतर देखता है उसका अकेलापन,
अवकाश के दिन घर के भीतर देखता है उसका अकेलापन और सहलाता है उसे सोई हुई अपनी मुलायम सांसों से। अकेलापन घर भीतर छिपा बैठा है उसके हर सामान में एक उदास ठंडक की तरह, उसके हर सामान में एक उदास ठंडक की तरह। आईना तक ओढ़े रहता है अनुपस्थिति की स्याह चादर, आईना तक ओढ़े रहता है अनुपस्थिति की स्याह चादर। समय का मौन समाया रहता है घर के सन्नाटे में, समय का मौन समाया रहता है घर के सन्नाटे में। अकेलेपन ने ऊब कर घर के भीतर और बाहर उड़ा दी है उपेक्षा की सफेद चादर। पूरे घर में फैली रहती है मौत की परछाई और अकेलेपन की कसक, पूरे घर में फैली रहती है मौत की परछाई और अकेलेपन की कसक, जो घर का ताला खुलते ही उझक कर आ गिरती है औरत की झोली में, जो घर का ताला खुलते ही उझक कर आ गिरती है औरत की झोली में। अकेली स्त्री की सूनी हथेली बीच जिसे सहेज कर रखती है अपनी मुट्ठी में घर के अकेलेपन को कम करने के लिए, जिसे सहेज रखती है अपनी मुट्ठी में घर के अकेलेपन को कम करने के लिए, जो उस इकली स्त्री से भी ज्यादा झेलता है घुटन उसके काम पर जाने के बाद, जो उस इकली स्त्री से भी ज्यादा झेलता है घुटन उसके काम पर जाने के बाद। हर स्त्री माँ होती है, विश्व की हर स्त्री, उसकी जो संवेदना और पीड़ा है और उसके पास एक अपनी लेगेसी होती है। शीर्षक है लेगेसी। माँ अपने गर्भ में ही संतान को सौंप चुकी होती है अपनी लेगेसी, माँ अपने गर्भ में ही संतान को सौंप चुकी होती है अपनी लेगेसी। 9 माह तक लगातार संतान के नाम करने में लगी रहती है अपनी लेगेसी, 9 माह तक लगातार संतान के नाम करने में लगी रहती है अपनी लेगेसी, रक्त मांस और संस्कार के रूप में। संतानों में बांटती है बराबर अपना देहांश, संतानों में बांटती है बराबर अपना देहांश, रहती है निष्पक्ष गर्भ में, देती है सबको बराबर जगह, रहती है निष्पक्ष गर्भ में, देती है सबको बराबर जगह। जन्मोपरांत पिलाती है अपनी देह का अमृत, जन्मोपरांत पिलाती है अपनी देह का अमृत, और जीवन भर देती है अपना जीवन, और जीवन भर देती है अपना जीवन। संतानों की देह जीती है अपनी देह में, संतानों की देह जीती है अपनी देह में, और जीवन अपने जीवन में। समय के चरखे पर अपनी देह से कातती है ममता का सूत, समय के चरखे पर अपनी देह से कातती है ममता का सूत, अपने सुख में संतान का दुख घोलती है, अपनी संतान में अपने सुख में अपनी संतान का दुख घोलती है। दुख सहती माँ संजीवनी शक्ति है संतानों के लिए, दुख सहती माँ संजीवनी शक्ति है संतानों के लिए। माँ का गर्भ प्रथम जन्मभूमि है जहां होता है सूत्रपात जीवन का, माँ का गर्भ प्रथम जन्मभूमि है जहां होता है सूत्रपात जीवन का। वो तय करती है हमारी मातृभूमि, नागरिकता और पिता का नाम, वो तय करती है हमारी मातृभूमि, नागरिकता और पिता का नाम। नियति से पहले माँ नियंता है, नियति से पहले माँ नियंता है जीवन की जीवन भर, जीवन की जीवन भर। माँ के अलावा माँ का कोई दूसरा नाम नहीं होता, माँ के अलावा माँ का दूसरा कोई नाम नहीं होता। अपनी आत्मा का अमृत तो
चुआती रहती है अपनी संतानों पर, अपनी आत्मा का अमृत चुआती रहती है अपनी संतानों पर, न चाहते हुए भी संतानों के बड़े होने पर उसका कौर भीगता रहता है। न चाहते हुए भी संतानों के बड़े होने पर उसका कौर भीगता रहता है अपने ही आंसुओं से बच्चों की याद में। अपने ही आंसुओं से बच्चों की याद में माँ जीवन भर बटती रहती है। माँ जीवन भर बटती रहती है सब कुछ बटने से बचाने के लिए, सब कुछ बटने से बचाने के लिए माँ जीवन भर खटती रहती है घर को घर बनाए रखने के लिए। माँ जीवन भर खटती रहती है घर को घर बनाए रखने के लिए। माँ घुमाती रहती है परिवार का पहिया, माँ घुमाती रहती है परिवार का पहिया समय के चक्र पर। माँ घुमाती रहती है परिवार का पहिया समय के चक्र पर, जिसका धुरा घूमते हुए धंसा रहता है माँ की छाती के भीतर, जिसका धुरा घूमते हुए धंसा रहता है माँ की छाती के भीतर। जहां से बनती है माँ और बनाती है घर, जहां से बनती है माँ और बनाती है घर। ये कविता थी माँ पर, और दूसरी कविता शीर्षक है उसका नवातुर गर्भिणी, माँ बनने से पहले। वो खुश है, वो खुश है अपनी देह के जादू से भरकर, वो खुश है अपनी देह के जादू से भरकर, इठलाती है रह रहकर, हंसी में रचाती है अनदेखी खुशी का सुख। वो खुश है अपनी देह के जादू से भरकर, इछलाती है रह रहकर, हंसी में रचाती है अनदेखी खुशी का सुख, कि कुछ माह बाद निज हथेलियों में खिलाएगी अपने प्रणय की नवजात हथेलियां, कि कुछ माह बाद निज हथेलियों में खिलाएगी अपने प्रणय की नवजात हथेलियां, अपनी देह से जन्मी आंखों में लखेगी अपने मन के कोमल शोक, अपनी देह से जन्मी आंखों में लखेगी अपने मन के कोमल स्वप्न, हथेलियों में भरेगी अपने शिशु की मुट्ठियों को, हथेलियों को भरेगी अपनी शिशु की मुट्ठियों से, निज ओठों से चूमेगी उसकी अधर सी मुलायम देह, निज ओठों से चूमेगी उसकी अधर सी मुलायम देह, अपने वक्ष से लगाएगी नव आत्म शिशु के पुलकित देह, अपने वक्ष से लगाएगी नव आत्म शिशु की पुलकित देह। वो आह्लादित है, वो आह्लादित है कि उसकी स्त्री देह प्रेम में ईश्वर हो गई है, वो आह्लादित है कि उसकी स्त्री देह प्रेम में ईश्वर हो गई है। ये कविताएं स्त्री की जिसे कि अर्धनारीश्वर कहा जा सकता है, पर वो आधे दुनिया की नहीं, वो पूरी दुनिया की स्त्री है, उसी से पूरी दुनिया रची गई है। अगली बार मैं विश्व की कुछ महत्वपूर्ण सामान्य जीवन की कुछ महत्वपूर्ण स्त्रियों पर कविताएं पढ़ूंगी, जिसमें से एक मैं सिसिल नाम की एक स्त्री, जिससे मेरी मुलाकात सूरीनाम में हुई, वो जंगल में पेड़ों को के तनों को काटकर उनकी लकड़ियों से कलाकृतियां बनाती थी। चश्मा रखने के बॉक्स, हाथ में पहनने के कंगन और सिगरेट रखने का बॉक्स, वो खुद भी सिगरेट पीती थी। तो इस तरह की वो सिसिल नाम की स्त्री जो अब इस दुनिया में नहीं है। सिसिल धरती पर वृक्ष सरीखी अपनी जड़ें धसाए हुए कैरेबियाई हस्तशिल्पी स्त्री का नाम है। सिसिल धरती पर वृक्ष सरीखी अपनी जड़ें धसाए हुए कैरेबियाई हस्तशिल्पी स्त्री का नाम है। तराश से जन्म लेती है वृक्ष के शुष्क तने से, न जाने कितनी काष्ठ सामग्री मनका और बाजूबंद तक।
तराश से जन्म लेती है वृक्ष के शुष्क तने से, न जाने कितनी काष्ठ सामग्री, मन का और बाजू बंद तक, तने की तरह तनी हुई, तने की तरह तनी हुई, पर रेशे रेशे की मुलायम, काष्ठाग्नि प्रज्वलित है उसकी जीवनोन्मुखी जिजीविषा की परतों में, काष्ठाग्नि प्रज्वलित है उसकी जीवनोन्मुखी जिजीविषा की परतों में, जंगल बीच वन की कला देवी सी अड़ी खड़ी, जंगल बीच वन की कला देवी सी अड़ी खड़ी, बरखा को पीती समुद्र के सौंदर्य की, सरल हार्दिकता की संपत्ति को जीती, बरखा को पीती समुद्र के सौंदर्य की सरल हार्दिकता को की संपत्ति को जीती, वो जानती है ग्रीन हार्ट और महोगनी जैसे गठीले वृक्षों की जल विरोधी मजबूती, वो जानती है ग्रीन हार्ट और महोगनी जैसे गठीले वृक्षों की जल विरोधी मजबूती, पत्थर या लौह स्तंभ की तरह जलधार बीच खड़ी सिसिल जानती है, पत्थर या लौह स्तंभ की तरह जलधार बीच खड़ी सिसिल जानती है वृक्ष का वक्ष, वो जानती है वृक्ष का वक्ष, वक्ष के स्वप्न, स्वप्न की आकांक्षा को सूखी लकड़ी की देह में जीती हुई, स्वप्न की आकांक्षा को सूखी लकड़ी की देह में जीती हुई सिसिल उकेरती है संसार की कलाओं का सौभाग्य सुख, सिसिल उकेरती है संसार की कलाओं का सौभाग्य सुख, ऋतुओं में कालिदास का ऋतु संहार, इंद्र का ऐन्द्रिक जाल, फाल्गुन का उन्माद, जब ग्रीन हार्ट संपूर्ण वृक्ष एक दिन में जीता है अपनी पिता भी बसंत। ग्रीन हार्ट एक ऐसा वृक्ष है जिसके पूरा वृक्ष पीले फूल के रूप में एक ही दिन में प्रस्फुटित होता मानव देह में प्रवेश की हुई मृतात्मा की छाया को अपनी आंखों से डसती हुई सिसिल निगो स्त्री थी, और वो भी टोना टोटका जैसे अपने भारत के गांव में होता है वो सब भी वो जानती थी। और जब मेरे पाँव में बहुत दर्द था तो वो टोना टोटका के तहत ही सुनते हुए आई मुझसे मिलने के लिए, और तब उसके व्यवहार से मेरी जानकारी हुई। और उसका एक बड़ा सा ट्रक था, वो ट्रक उसका कारखाना था जिसमें वो जंगल से लकड़ियां लाती थी और बनाती थी, उसकी बनाई हुई बहुत सी चीजें मेरे पास हैं। सिसिल उकेरती है संसार की कलाओं का सौभाग्य सुख, ऋतुओं में कालिदास का ऋतु संहार, इंद्र का ऐन्द्रिक जाल, फाल्गुन का उन्माद, जबकि ग्रीन हार्ट संपूर्ण वृक्ष एक दिन में जीता है अपना पिता भी बसंत। मानव देह में प्रवेश की हुई मृतात्मा की छाया को अपनी आंखों से डसती हुई सांसों से झाड़ फेंकती है पापात्मा की छाया, कि जैसे मानव देह के वृक्ष तने में लगा हुआ कीड़ा हो वो कोई, कि जैसे मानव देह के वृक्ष तने में लगा हुआ कीड़ा हो वो कोई, जिसे फलने से पूर्व ही नष्ट करती है कुत्सित आत्माएं, जिसे फलने से पूर्व ही नष्ट करती है कुत्सित आत्माएं, वन के वृक्षों के हित में लगी, गांवों में संस्कृति के वृक्ष लगाती, वन के वृक्षों के हित में लगी, गांवों में संस्कृति के वृक्ष लगाती, कि कारावासी नाम की आफ्रो संस्कृति बन सके जनप्रिय विश्व संस्कृति, कि कारावासी नाम की आफ्रो संस्कृति बन सके जनप्रिय विश्व संस्कृति, काष्ठ की देह में कलाकृतियों के बहाने, काष्ठ की देह में कलाकृतियों के बहाने। ग्रीन हार्ट ब्राजील और गयाना तटों के जंगल का जलजीवी वृक्ष है जो गदराई देह वाली समृद्ध नदियों को पार करने के लिए पुल की लकड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो 50ों वर्षों तक पुल को नष्ट होने से बचाए रखती है। वो ऐसी लकड़ी है जो गलती नहीं है, उसको जोड़ने में लोहे में जंग लग जाती है, लोहा पानी के बहाव से जंग लगने से टूट जाता है, जर्जर हो जाता है, उससे पुल जर्जर होता है, लेकिन लकड़ी नहीं गलती है। ये सुरिनाम और कैरेबियाई देशों की लकड़ी की खासियत है और उन्हीं में वो कलाकृतियों को का निर्माण करती है।
वृक्ष वर्ष में एक दिन के लिए वासंती पुष्पों से लद जाता है। सप्ताह भर तक विशाल ऊंचा पीला वसंती वृक्ष दिखता है। काराबासी कैरेबियाई देशों में प्रसिद्ध आफ्रो कास्ट कला का नाम है। तो आज इतना ही। कविता बोलती है स्तंभ के अंतर्गत मेरी कविताएं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत रही। कैसी लगी जानने की जिज्ञासा रहेगी। और अगली बार विश्व की स्त्रियों पर जिस तरह से सिसिल पर कविता है, ऐसे ही बहुत सी विश्व की स्त्रियां हैं जो विभिन्न कलाओं से, और सामान्य स्त्रियां हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कला से जुड़ी हैं, संस्कृति से जुड़ी हैं, गांव से जुड़ी हैं, माटी से जुड़ी हैं। उन पर लिखी अपनी कविताओं को लेकर मैं हाजिर होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी की और आप सब सभी श्रोताओं की। धन्यवाद।